नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आप इसे किसी भी जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में या फिर किसी भी पैटर्न में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन 4 लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 42 फंदे डाल रखे हैं। अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 3। अब उन दूसरी ओर 2 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा लपेटते हुए और फिर 3 फंदा उल्टा। फिर नेक्स्ट डिजाइन शुरू होता है, 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 2 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा। यहाँ पे हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा, फिर 3 फंदा उल्टा। नेक्स्ट 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा और 3 फंदा उल्टा। तो इन्हीं 8 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर आगे हमने 3 फंदा उल्टा बुना था तो पीछे से वो 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। उन अपनी ओर करेंगे, लपेटे हुए 2 फंदे थे उन्हें हम खोल लेंगे। अब इन्हें हमें बुनना नहीं है, इन्हें हमें स्लिप कर लेना है। उन दूसरी ओर अब देखिए 3 फंदे सीधे थे, उल्टे थे, अब उन्हें हम पीछे से सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में बार बार दोहराना है। 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर लपेटे हुए फंदे को खोलना है और इन्हें स्लिप कर लेना है, बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब उन दूसरी ओर और 3 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा। तीसरा डिज़ाइन शुरू होता है, 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर लपेटे हुए फंदे को खोलना है, उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा। तो इन्हीं 8 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है।
लास्ट फंदा एजस्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे, तो हमारा दूसरा लाइन ये कंप्लीट होता है। अब हम सामने की तरफ आ जाते हैं, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। अब देखिए ये तीन फंदे थे तो ऐसे इनको दबा देंगे दाहिने हाथ से और फिर पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ा लेंगे और जो लपेटा हुआ फंदा है उसे खींचते हुए ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे सिलाई में चढ़ा देंगे। देखिए ये ऐसे सीधा आना चाहिए। अब इन तीन को सीधा बुनेंगे। ये दूसरा लपेटा हुआ फंदा है इसे हम गिरा देंगे, पहले दो फंदों को सीधा बुनेंगे, अब जो गिराया हुआ फंदा है उसे उठाएंगे और फिर इसे भी हम सीधा बुन लेंगे और अगला फंदा उल्टा। अब देखिए पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी सिलाई में बार बार दोहराना है। यहाँ पे एक डिज़ाइन ख़त्म होता है, फिर अगला फंदा उल्टा, दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट, फिर तीन फंदों को ऐसे पकड़ेंगे और पहले दूसरे फंदे को बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे और जो हमने लपेटा हुआ फंदा था उसे उठाएंगे और इन दोनों के आगे कर देंगे, ऐसे घुमा के लाएंगे ताकि ये सीधा रहे। फिर इन तीन को हमें सीधा बुनना है। अब दूसरे लपेटे हुए फंदे को इसे हमें गिरा देंगे और पहले दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर इस फंदे को उठाएंगे और फिर इन दोनों फंदों के बाद इसे सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा। तो यहाँ पे दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। फिर तीसरा डिज़ाइन एक फंदा उल्टा उन दूसरी ओर। देखिए तीन फंदे हैं तो इन्हें ऐसे दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ये गिरे ना। फिर पहले दूसरे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे और तीसरा लपेटा हुआ फंदा इसे आगे से खींचते हुए बाएं सिलाई में ऐसे चढ़ा देंगे। फिर तीन फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट तीन फंदा है तो इसे हम पहले ये जो लपेटा हुआ फंदा था इसे हम गिरा देंगे, पहले इन दो फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, अब इसको उठाएंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा सीधा और इन्हीं आठ फंदों को बार बार दोहराते हुए पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, तो पहला फंदा एज स्टिच है इसे हम स्लिप कर लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर छह फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच और छह उन दूसरी ओर एक फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। फिर से देखिए एक फंदा सीधा उन अपनी ओर और ये जो बीच के ये डिज़ाइन के छह फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और फिर ये साइड का एक फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे। इन्हीं आठ फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन बनके तैयार है। आगे से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो
तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।